हे डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जब उस टाइम अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को, जो आपका हूबहू जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है सेम टू सेम उसी प्रकार का ही जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर के आए, एक मॉडल पेपर के रूप में आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसी प्रकार का आपको यानी सेट कोड भी रहेगा, उसके बाद आपका यानी क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर भी आपको इस तरह का सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। 100 आपको क्या ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 30 आपका लघु उत्तरीय और 8 जो आपका दीर्घ उत्तर प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें से आपको 50% ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है डियर। तो ये जो मॉडल पेपर हम लोग इसको कवर किए हैं, ये आपका न्यू पैटर्न पर जो 2024 का पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको हम लोग तैयार किए हैं स्पेशल 2024 के एग्जाम के लिए। इसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर के तैयार किया गया है। अगर आप इस मॉडल पेपर को पूरी तरह से अच्छे से देख लेते हैं तो आपको यहां से 40% लगभग क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को मिस नहीं करें, पूरी तरह से लास्ट तक एंड तक देखें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प होंगे। अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम का संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिया जाएगा। तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। और चलिए तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। जैसे देख पा रहे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में यानी कब संकल्प लिया था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ 1948 के जयपुर अधिवेशन में, बिल्कुल भी नहीं। ये जो लिया गया था 1955 के आवरी अधिवेशन में लिया गया था। तो ये आंसर आप लोगों का जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष में आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल कहलाता है कि धारा 370 का संबंध जो है किस राज्य से। तो हम लोग जानते हैं धारा 370 का संबंध, हम सब बच्चे जानते हैं, कौन जानता है धारा 370 का संबंध, ठीक है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर से है, जानते हैं, अभी हाल ही में जो है 370 का ये हटा दिया है। तो ये आप लोगों को पता है कौन सा राज्य से, तो ये जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर सवाल जो आपके समक्ष में आ गया, तीसरा नंबर सवाल कहता है भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है। तो बताइए अभी जो वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पहला आपका 4 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें एक और हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा बाद में, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो पहले तो 7 था लेकिन इस बार जो मिलकर के 8 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा 8, ठीक है। तो भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है, अभी 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे, ठीक है। 26 जनवरी को हम मनाते हैं, कौन सा दिवस के रूप में हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। तो देखिए 26 जनवरी के रूप में हम लोग कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को अपना भारत में संविधान लागू किया गया था, ठीक है। 1950 को लागू किया गया था और इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, 26 जनवरी को। तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। कितना दिन समय लगा था इसको, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक है। 11 माह 18 दिन याद रखिएगा, कितना दिन लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक है। तो यहाँ पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने का देहांत यानी कब हुआ था। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत जो हम लोग जानते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका देहांत जो हुआ था वो 27 मई 1964 को हुआ था। उसके बाद जो है कौन आया था, लाल बहादुर शास्त्री, फिर गद्दी पर आकर के बैठा था। तो ये आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन, आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा सब बच्चों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहलाता है कि भारत में विविधता में एकता का देश किसने कहा था। देखिए भारत में कहने का मतलब ये था कि भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ एकता को देखने को मिलता है, ये किसने कहा था। ये जो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 7वां नंबर सवाल, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए यानी प्रावधान करता है, बताइए, ठीक है। तो ये देखिए ये जो कौन सा प्रावधान करता है, ये अनुच्छेद 324 जो है ये प्रावधान करता है, 324, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके आपके स्क्रीन पे, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आई होप इसका आंसर आप लोग सही तरीके से दे पाएंगे। तो जानते हैं हम लोग कि 1930 को जो है गांधी जी ने सविनय आंदोलन का आगाज किया था, क्योंकि नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये कब हुआ था, 1930 को ये आंदोलन हुआ था, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 9 नंबर सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था है, ठीक है। किसे कहते हैं लिखा हुआ है, कैसा अर्थव्यवस्था होगा, कैसा सॉरी मतलब कैसा अर्थव्यवस्था है,
तो ये आपको बताना मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो बिल्कुल ये आंसर आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो आपको बताना इनमें से जो है कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आपको हम बता दें संवैधानिक संस्था की अगर बात करें तो नीति आयोग जो है, ये नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए क्योंकि ये योजना आयोग, योजना आयोग कब बना था, यानी 1950 को बना था, लेकिन योजना आयोग को भंग करके 2014 में भंग करके 2015 में जो अभी नीति आयोग लागू किया गया था, ठीक है। तो योजना आयोग जो 1950 में बना था ये भी एक क्या था, एक गैर संवैधानिक निकाय था, क्या था, एक गैर संवैधानिक निकाय था, तो वही योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया, नीति आयोग, तो ये भी जो है क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसका भी आंसर आप लोगों का ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 2015 को इसको लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, पंडित नेहरू का निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था, तो अभी आप जस्ट बताएं कि नेहरू जी के निधन के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री गद्दी पर बैठा था, तो इसका आंसर आप लोगों का लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर सवाल, 2010 ईस्वी में बिहार के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो जेडीयू जो है ये प्राप्त किए थे, कौन प्राप्त किए थे, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, यानी इसका आंसर आप लोगों का ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 30 नंबर सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधारी के उत्तराधिकारी के चयन में किसने यानी निर्णायक भूमिका निभाई थी, ये बताना आप लोगों को, तो इसमें जो निभाए थे कौन निभाए थे, पार्टी के अध्यक्ष निभाए थे, कौन निभाए थे, पार्टी के अध्यक्ष, तो इसका आंसर आप लोगों का पार्टी का अध्यक्ष राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे, देखिए 1971 के चुनाव में जो कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितना स्थान मिला था, तो 283 जो है इसमें स्थान मिला था, 200 ठीक है 283 ठीक है, कुल कितने मतलब स्थान मिले यानी सीटें मिला था 283 ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कांग्रेस के 15 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो हम लोग जानते हैं कांग्रेस का स्थापना 1885 में किसके द्वारा किया गया था, एयू होम के द्वारा इसको किया गया था, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर। बहुत ही MBBI जितने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए MBBI ठीक है, तो बिल्कुल नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का या रूस का, तो हम लोग जानते हैं उल्फा एक आतंकवादी संगठन का भारत का, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है, तो ये देखिए कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, हेरोल्ड लॉस्की ने या FM मार्क्स ने, तो ये जो हेरोल्ड लॉस्की, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा मेरे डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 जो आप देख पा रहे हैं, जनता सरकार के समय में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर यानी लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया था, तो ये जो है वंचित किसको किया गया था, तो मेरे डियर ये इंदिरा गांधी को वंचित किया गया था, तो इसका आंसर आप लोग का इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था, देखिए 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था, ये जो नाम थे कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, तो ये आंसर आप लोग का फखरुद्दीन अली अहमद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था, तो सब बच्चे जानते हैं क्योंकि संपूर्ण क्रांति हम लोगों का हिंदी चैप्टर में संपूर्ण क्रांति हम लोग पढ़ रखे हैं, तो इसके बाद जानते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा जो है कौन दिया था, जयप्रकाश नारायण जी दिया था, इसका आंसर आप लोगों का डी होगा, जिसका बचपन का नाम क्या था, बाउल था ठीक है, और इसे जो है क्या नाम से, लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21, शांति की स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है, देखिए शांति की स्थापना के कार्यों पर देखरेख जो किसके अधीन था, यह महासचिव के अधीन होता है, किसके अधीन होता है, महासचिव, तो इसका आंसर आप लोगों का महासचिव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो है किसके पास है, देखिए विश्व में शांति बनाए रखने का जो दायित्व जो होता है वो किसके पास होता है, सुरक्षा परिषद में होता है, और सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की संख्या 15 है जिसमें से अस्थायी कितना है, 5 है, और अस्थायी जो है कितना है, 10 है, याद रखिएगा अस्थायी सदस्य की संख्या 5 और अस्थायी सदस्य की संख्या 10 ठीक है। तो विधान 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 मतलब विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किसके पास है, सुरक्षा परिषद के पास रहता है ओके। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट पर रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, देखिए पर्यावरण विकास पर विश्व के आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, तो इसमें जो है हमारा साझा भविष्य, ये आंसर इसका राइट आंसर होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, 1955 ईस्वी में किस शहर में AFOSI सम्मेलन हुआ था, देखिए 1955 ईस्वी में जो है किस शहर में मतलब क्या हुआ था, AFOSI सम्मेलन हुआ था, तो ये बादुंग में हुआ था, इसका आंसर आप लोगों का बादुंग राइट आंसर होगा मेरे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 1992 में किस शहर पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, बताइए 1992 में किस शहर में जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो मेरे डियर ये बताना आप लोगों को, देखिए हम लोग जानते हैं कि 1992 में जो है कहां पे हुआ था, रियो डियो जेनेरो में हुआ था, तो इसका आंसर आप लोगों का रियो डियो जेनेरो यानी ऑप्शन आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, देखिए विश्व अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप लोगों का 2 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस
दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी पता है। 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग ये मनाते हैं। ओके, तो सब बच्चों को एकदम बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। देखिए, भूमंडलीकरण का आलोचक कौन नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, मनमोहन सिंह जो है भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, ठीक है, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता है, मनमोहन सिंह जो है नहीं थे। तो इसका आंसर आप लोग का मनमोहन सिंह राइट आंसर होगा मेरे डियर। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके स्क्रीन पर आ गया, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। तो देखिए, मानवाधिकारों की अगर सार्वभौमिक घोषणा की बात करें तो 1948 को किया गया था। कब किया गया था? 1948 को। तो इसका आंसर आप लोग का 1948 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर सवाल, विश्व बाजार की विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ है। देखिए, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में जो किस समय से आरंभ हुआ है, तो ये जो है 18वीं सदी से हुआ है। कब से हुआ है? ये 18वीं शताब्दी से। तो इसका आंसर आप लोग का 18वीं शताब्दी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन में क्रांति कब हुई थी। देखिए, चीन में जो है क्रांति है कब हुआ था ये आप लोग को बताओगा। देखिए, चीन में क्रांति 1949 को हुआ है। कब हुआ है? 1949 को हुआ था। तो ये आंसर आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आपको सत्य बताना है। देखिए, राज्य पुनर्गठन, इसकी स्थापना 1953 में, सही बात है, 1953 में हुआ था ये। तो यहाँ असत्य को देखना है, सत्य ये बात सत्य है तो ये तो होगा नहीं। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में नहीं, 1956 में, यानी 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। ये जो ऑप्शन यानी गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर मेरे डियर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बताएं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी। देखिए, भारत में एकता अभी आपको बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया था, तो ये भी आंसर इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस संविधान अनुच्छेद के तहत आदिन भारत राष्ट्रीय राष्ट्रपति पर यानी महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है, मतलब क्या चला सकते हैं, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चला सकते हैं हम लोग, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष हम लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का सही है, जिसे संविधान का पिता कहा जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, ठीक है, अवस्थाई अध्यक्ष थे। चलिए, तो ये आंसर आप लोग का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया था। देखिए, कानून का समान संरक्षण शब्दावली जो है कहाँ से लिया गया था, ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति जो किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो ये भी तो आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। देखिए, प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र का आधार है। देखिए, ये प्रतिनिधि जो लोकतंत्र का आधार है, तो ये लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा। ओके, तो ये आंसर आप लोग का लोकसभा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मतलब राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। देखिए, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु चाहिए जो है 30 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। तो ये आंसर आप लोगों का 30 वर्ष राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो इसका आंसर आप लोग का ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, विकेंद्रीयकरण किस शासन की विशेषता है। देखिए, विकेंद्रीयकरण की अगर बात करें तो ये संघात्मक शासन की व्यवस्था है। तो ये संघात्मक आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 41, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो है अरस्तु जी है। तो इसका आंसर आप लोग का अरस्तु राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल गुड आंसर, सही बच्चों का आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा से जो संबंधित कौन नहीं थे ये आप लोगों को बताना है। देखिए, समाजवादी समाज ये भी थे, वर्गीयहीन जो भी थे, वर्गीयहीन एवं राज्यहीन समाज ये भी थे, लेकिन ये जो है क्या पूंजीवादी समाज नहीं थे। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र यानी किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो ये अरस्तु होगा। इसका कौन होगा? अरस्तु, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना होता है। देखिए, शांति जो है ये कायरो का सपना, ये किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। किसने कहा था?
हिटलर ने कहा था, ये आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप लोग हिंदी अगर पढ़े होंगे 16 नंबर का, तो किसने कहा था कायरों की सपना होता, भगत सिंह जो है कहा था, यानी जो है शांति कायरों की सपना होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 45। तनाव शैथिल्य का दौर कब से शुरू हुआ था, तो हम जानते हैं तनाव शैथिल्य का दौर जो है 1970 के बाद जो है ये शुरू हुए थे। तो ये आंसर आप लोग का 1970 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, ये बताइए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व के बाद जो उपरांत कौन दो महाशक्तियां उभर कर सामने आया था, तो वो दो महाशक्तियां के रूप में थे संयुक्त अमेरिका और स्वेत संघ थे। तो ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्वेत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, तो ये जो थे प्रथम यल्तसिन थे, कौन थे, यल्तसिन, बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, श्वेत गुट का सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था, देखिए श्वेत गुट से जो सबसे पहले जो कौन सा देश अलग हुआ था, तो युगोस्लाविया जो है सबसे पहले इसका जो है अलग हुआ था, तो युगोस्लाविया राइट आंसर होंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 49, ठीक है। ग्लासनास्ट व पेस्ट्री का के मंत्र यानी किसने दिए थे, तो ये जो दिए थे यानी गोरबाचोव दिए थे, तो ये आंसर आप लोग का गोरबाचोव यानी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे, देखिए रोनाल्ड रीगन की अगर बात करें तो रोनाल्ड रीगन जो होगा यूएसए के थे, कहाँ के थे, यूएसए के, तो यूनाइटेड स्टेट अमीरात, ये जो होगा आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितनी सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, इसमें 10 सदस्यों की होती है, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों का संघ घोषित किया गया है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का यानी संघ घोषित किया गया है, तो प्रथम अनुच्छेद से जो है उसको घोषित किया गया है, तो इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की मतलब न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कौन करता है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो करते हैं ये राष्ट्रपति ही करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 54, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद केंद्र और राज्यों में के बीच यानी विधायी संबंधों का उल्लेख करता है, तो अनुच्छेद 245 से 55 के तहत करता है, ये इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, देखिए सबसे बड़ा संविधान हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है अपना भारत का, तो ये आंसर आप लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 56 क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो ये भी आपको बता दी कि 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था, और इसी के रिपोर्ट के अनुसार 1956 में जो है ये निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था, तो हम जानते हैं बीआर अंबेडकर किए थे, तो ये आंसर भीमराव अंबेडकर जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था, देखिए कश्मीर के भारत विलय में जो है कौन हस्ताक्षर किए थे इसमें, तो ये तो है मतलब राजा हरि सिंह के द्वारा जो इस पर हस्ताक्षर किया गया था, तो ये आंसर आप लोग का परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, कश्मीर के भारत में विलय पर किसने हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल राजा हरि सिंह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर होता है, भारत सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, तो इसका आंसर आप लोगों का कैबिनेट मिशन योजना राइट आंसर होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संख्यात्मक ढांचे यानी क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, संख्यात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, क्या अपरिहार्य लक्षण है, संविधान की सुरक्षा स्वतंत्रता आगे का बिल्कुल नहीं, ये दोनों भी नहीं होगा, शक्तियों का विभाजन भी होगा, तो इसका आंसर आपको नहीं, सॉरी ये आंसर इसका जो क्वेश्चन ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डाउट लगता है, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि संख्यात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण कौन लक्षण है, तो ये सभी होगा, संविधान की सुरक्षता भी होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होगा, शक्ति का विभाजन, तो ये जो होगा यानी बिल्कुल सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था, तो क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि पंचशील समझौता कब हुआ था, तो मेरे दोस्त 1954 को हुआ था, ये किस बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है। भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था, तो 1954 में जो है ना 5 समझौता रखा गया था, जो किसी भी देश के बिना मतलब किसी संदेह मतलब कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है, आपस में जो है दोस्ती बनाए रखेंगे, ठीक है, किसी के अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो इस तरह का 5 पॉइंट रखा गया था, ठीक है। तो इसमें जो 5 पॉइंट रखा गया था, तो इसका उल्लंघन जो किसने किया था, चीन ने कर दिया था, अपना भारत नहीं किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 62। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता हुआ था, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता 1972 को हुआ था, ठीक है, और एक समझौता हुआ था ताशकंद समझौता जो 1966 को हुआ था, ठीक है।
चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 63 नंबर क्वेश्चन, मैकमहोन रेखा कहाँ पे स्थित है। देखिए मैकमहोन रेखा की अगर बात करें तो ये अपना भारत के पूर्वी राज्यों में का है, ये आप लोग पता है पूर्वी राज्य कौन, यानी अरुणाचल प्रदेश। तो ये आंसर आप लोग का अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा 64 ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो अब आपको बताना 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ये जो किसका हुआ था, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जो इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अयूब खान पाकिस्तान के थे और लाल बहादुर शास्त्री अपना भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 65 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारत राष्ट्रीय राष्ट्रपति का नाम क्या था। देखिए 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम जो थे क्या थे, नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल भी नहीं, ज्ञान जयपल नहीं, जाकिर हुसैन नहीं, बिल्कुल इसका आंसर होगा आपका यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस टाइम जो थे यानी घोषणा करने वाले भारत राष्ट्रपति का नाम कौन थे, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 66 भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। हम लोग जानते हैं 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है, किसके तहत, 352 के तहत। आगे देखिएगा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सी नारा दिया था। देखिए जब 1971 में आम चुनाव होने जा रहा था तो इंदिरा गांधी ने जो एक नारा दिया था, ये काफ़ी नारा इसका रामबाण साबित हुआ था, गरीबी हटाओ का नारा। कौन सा नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था और ये चला था। ठीक है चलिए, लेकिन उसके पार्टी के खुद नेता जो है अलग से पार्टी बनाया था जिसका नाम क्या था, कांग्रेस सिंडिकेट रखा था उसका नाम, जो वो ने इंदिरा गांधी हटाओ का नारा लगाया था। ठीक है चलिए आगे देखिएगा 68 में क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था। देखिए प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार का समर्थन जो किए थे इंदिरा गांधी किए थे, किसने किए थे, इंदिरा गांधी किए थे। तो इसका आंसर आप लोगों का इंदिरा गांधी राइट आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 69 सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। देखिए सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो 23 जनवरी, यह कब हुआ था इसका, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ठीक है चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जनसंघ के संस्थापक कौन है। देखिए जनसंघ के संस्थापक जो थे श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, कौन थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी, इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए मेरे डियर भाखड़ा नांगल परियोजना की अगर बात करें तो ये सतलज नदी पर है, किस नदी पर है, सतलज पर है। तो इसका आंसर आप लोगों का सतलज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 72 भारतीय संसद में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग की गई है, तो यहाँ जो 33% ठीक है 33% देने की, तो ये आंसर आप लोग का 33% राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित किया गया था। देखिए पंचायत व्यवस्था जो सबसे पहले कौन सा देश में स्थापित किया गया था, तो नेपाल में किया गया था, कहाँ पे, नेपाल में। ठीक है ये आंसर आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है। देखिए क्षेत्रवाद का कुपरिणाम की अगर बात करें तो ये क्या होगा, अलगवाद होगा, क्या होगा, अलगवाद, इसका आंसर आप लोगों का अलगवाद होगा। ठीक है चलिए बिल्कुल अलगवाद इसका, जो भी बच्चे आप लोग नोट कर लिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 75 देखेंगे, सिक्किम भारत का सर्वत्र राज्य कब बना। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप घबराइए नहीं, आप इनको नोट करते चलिएगा। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको नोट करते जाना है, आपको घबराना नहीं है। तो सिक्किम भारत का सर्वत्र राज्य जो बना था वो 1975 को बना था, कब बना था, 1975 को बना था। ओके तो यह सिक्किम का स्थापना 1975 को हुआ था। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है, हम लोग जानते हैं कि किसका है, मणिपुर का है। ठीक है ये 371A का है, ये संबंध शायद सॉरी 371 ये, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, हम कंफ्यूज कर रहे हैं ये। तो देखिए किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है, तो मणिपुर का है और पहले जम्मू कश्मीर का भी था लेकिन ये टूट गया है, 370 का आधार हटा दिया है, आपको पता होगा। केशवानंद भारत भारतीय बाद में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायालय ने किस विषय पर यानी निर्णय दिया था। ठीक है तो संसदीय संविधान मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। ठीक है तो ये बताया था, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 78 देखेंगे, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था, तो वो अपना बिहार थे, 50% आरक्षण। ठीक है चलिए आगे देखिएगा, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो हम लोग जानते हैं कि राजद प्राप्त किया था, यानी RJD, ठीक है जिसको राजद बोलते हैं, लेकिन ये प्राप्त करने के बाद भी ये जो अपना सीट मतलब ये मुख्यमंत्री नहीं बना पाया था, तब फिर ये क्या किया था, गठबंधन किया था। ठीक है तो ये आंसर आप लोगों का डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन के कौन दल शामिल नहीं है। तो ये जो कौन सा दल, भाजपा इसमें शामिल नहीं है, भाजपा बोले तो BJP। ठीक है चलिए तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस श्वेत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो वो जो निकाय थे यानी कोशिगिन ने निभाए थे, तो ये आंसर आप लोग का कोशिगिन राइट आंसर होगा। 1975 में यूरोप में सुरक्षा सहयोग का सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए 1975 में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था, ये हेलसिंकी में हुआ था। तो इसका आंसर आप लोगों का हेलसिंकी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे।
वन लिबरिटी से पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए वन ऑन लिबरिटी, सॉरी वन बता दे, सॉरी ऑन, देखिए ऑन लिबरिटी का जो होगा तो कौन होगा, यानी जे एस मिल होगा, यानी इसका आंसर आप लोगों का जे एस मिल यानी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 84। आईओ जीव की लड़ाई 23 फरवरी 1945 को किन दो देशों के बीच हुई थी? ये जो हुआ था जापान और अमेरिका के बीच हुआ था, तो ये आंसर आप लोगों का जापान और अमेरिका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 85। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था की का चित्र यानी प्रस्तुत किया था? तो ये जो कौन प्रस्तुत किया गया था, ये प्रस्तुत जो किया था जॉर्ज बुश के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज बुश के द्वारा, मेरे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया था? देखिए इतिहास के अंत का सूत्र जो है फ्रांसिस फुकुयामा जो दिए थे, यानी इसका आंसर आप लोगों का फ्रांसिस फुकुयामा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? देखिए इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री आप लोगों को पता है, जॉन मेजर भी नहीं होगा, टोनी बेलर भी नहीं होगा, डेविड कैमरून ये भी नहीं है, ठीक है, पहले थे, तो इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे विश्व इंटरनेट, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कौन है अभी विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश का देना? तो हम लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का ये देना है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अपना भारत में जो आए थे कब आए थे, 1998 में यूज़ किया गया था। क्वेश्चन देखेंगे 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? देखिए वो जो थी यानी यूरोप का आर्थिक समुदाय था, क्या नाम था इसका? यूरोप का आर्थिक समुदाय राइट आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता को रूप में दर्शाता है? ये 90 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत और चीन के बीच मित्रता था? तो आपको बताया ना पंचशील समझौता जो कब हुआ था, 1954 को हुआ था, ठीक है, नहीं सॉरी 1954 के नहीं हुआ, 2006 को जो है अपनाए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 91। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे यानी गुटेरस थे, कौन थे? गुटेरस, इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जो अवस्थित है कहाँ पे है? तो जेनोवा में, इसका स्थापना 1995 को हुआ था, ठीक है, और ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 93। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए यूरोपीय संघ की अगर स्थापना की अगर बात करें तो 1993 को यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था, ये भी आप लोग नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन देखेंगे 94। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गया था? तो हम लोग जानते हैं उसका डैग है, कौन था, हैमरसॉल्ट का जो है ये मृत्यु हो गए थे, तो ये आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसका मौलिक सदस्य कौन था? उसका मौलिक सदस्य जो है अपना भारत थे, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग की अगर बात करें तो सबसे बड़ा अंग जो होगा कौन सा होगा, तो महासभा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 94 97। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? देखिए 1974 में पहला परमाणु परीक्षण जो किए थे वो कहाँ पे किए थे, पोखरण। पोखरण कहाँ पे है ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, पोखरण ये अपना कहाँ पे है, पोखरण ये राजस्थान में, कहाँ पे है, राजस्थान में, याद रखिएगा, ये नोट करते चलिएगा। ये प्रथम यानी परमाणु परीक्षण किया गया था और कब किया गया था, 1974 या 72 को किया गया था, 1974 से था, 1974 को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा जो है 1998 किया गया, तो वो भी पोखरण में ही किए गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया था? तो ये जो कौन सा संधि था, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 99 क्वेश्चन, कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया था? तो ये जो कौन किया था, शांति स्थापना, शांति निर्माता, सत्ता का संतुलन या सामूहिक सुरक्षा, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल सेट का, निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य नहीं है, अमेरिका नहीं है, भारत नहीं है, फ्रांस नहीं, ब्रिटेन नहीं है, तो नाटो का सदस्य इनमें से जो है कौन सा नहीं है? ये देखिए इसमें हम लोग 100 आप लोग का इस मॉडल सेट में हम लोग कवर किए थे, और इसी 100 में आपको यानी खुद से अपने से कितना आंसर दिए या हमें जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए ये जो कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो इसकी अगर बात करें तो ये कौन होगा, अपना भारत जो इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो डियर आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए डियर यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।